हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास। और जैसा कि आप जान रहे हो कि हम लोग टिशू चैप्टर पढ़ रहे हैं, और पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन दिया था टिशू चैप्टर में कि हमको क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ना है। और इस वीडियो में हम टिश्यूज़ में प्लांट टिश्यूज़ पढ़ेंगे, और प्लांट टिश्यूज़ में भी मेरिस्टमेटिक टिश्यू पढ़ेंगे, परमानेंट टिश्यू का इंट्रोडक्शन रहेगा, और परमानेंट टिश्यू फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू, तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, प्राइमरी प्लांट टिश्यू एंड सेकेंडरी प्लांट टिश्यू। मीन्स इन द बॉडीज ऑफ प्लांट द टिश्यूज दैट ओरिजिनेट फर्स्ट दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी प्लांट टिश्यू, एंड द टिश्यूज दैट ओरिजिनेट्स लेटर ऑन इन द लाइफ ऑफ प्लांट दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी प्लांट टिश्यू। यानी कि प्लांट के ग्रोथ में जो सबसे पहले टिश्यूज बनता है दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी प्लांट टिश्यू, और बाद में जो टिश्यू बनेगा दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी प्लांट टिश्यू। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ हैविंग पावर ऑफ सेल डिवीजन, टिश्यूज के अंदर जो सेल हैं उनके पास सेल डिवीजन का पावर है या नहीं है, उस बेसिस पे दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है मेरिस्टमेटिक टिश्यू, दूसरा है परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टमेटिक टिश्यूज मीन्स द टिश्यूज हैविंग द पावर ऑफ सेल डिवीजन, मीन्स ऐसे टिश्यू जिसमें जो सेल हैं उनके पास पावर ऑफ सेल डिवीजन है, एबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन है। और परमानेंट टिश्यू द टिश्यूज विच हैव लॉस्ट देयर पावर ऑफ सेल डिवीजन और विच हैव लॉस्ट द एबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन, तो कहलाएंगे परमानेंट टिश्यू। और मेरिस्टमेटिक टिश्यू ही परमानेंट टिश्यूज में कन्वर्ट होते हैं इन देयर लाइफ, तो हम आगे देखेंगे कैसे कन्वर्ट होते हैं। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेरिस्टमेटिक टिश्यू के बारे में डिटेल में, और परमानेंट टिश्यू का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो जो मेरिस्टमेटिक टिश्यू है दैट इज देयर टाइप्स, तो टाइप्स किस बेसिस पे रखा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन इन द प्लांट बॉडी। मतलब मेरिस्टमेटिक टिश्यू प्लांट बॉडी के किस किस लोकेशन पे है, उस लोकेशन के बेस पे तीन तरह के मेरिस्टमेटिक टिश्यूज होते हैं। द फर्स्ट इज एपिकल मेरिस्टमेटिक टिश्यू, द सेकंड इज इंटरकैलरी मेरिस्टमेटिक टिश्यू, एंड द थर्ड इज लेटरल मेरिस्टमेटिक टिश्यू। इसको हम लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं। एपिकल आप देख सकते हो बिल्कुल टिप पर है, इंटरकैलरी आप देख सकते हो लीव्स के आसपास या नोड्स के आसपास है, और लेटरल मेरिस्टम आप देख सकते हो बार्क के जस्ट नीचे लॉन्गिट्यूडनली स्टेम्स में या बार्क में प्रेजेंट होता है, पैरेलल टू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बार्क और ऑफ द ट्रंक। यानी कि अगर सेंट्रल एक्सिस ले लें हम बार्क का या ट्रंक का, तो उससे पैरेलल बार्क के जस्ट नीचे लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट होता है लेटरल मेरिस्टम। अब इन तीनों के बारे में हम डिटेल स्टडी कर लेते हैं। तो पहला है एपिकल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम का लोकेशन क्या है? एपिकल मेरिस्टम का लोकेशन है, एपिकल मेरिस्टम्स आर प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ द स्टेम्स एंड द रूट्स। तो इस फिगर में आप देख सकते हो ग्रोइंग टिप्स जो है वहाँ पर एपिकल मेरिस्टम है, और फंक्शन क्या है, इट इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड रूट्स। तो स्टेम के और रूट के टिप्स पे प्रेजेंट है, तो वहीं पे सेल डिवाइड करेगा, और जब वहाँ सेल डिवाइड करेगा तो जो स्टेम है और रूट्स है उसका लेंथ इंक्रीज करने में ये हेल्प करेगा। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ एपिकल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम लोकेशन क्या है? प्रेजेंट बीनीथ द बार्क अलोंग द साइड्स ऑफ सेंट्रल एक्सिस ऑफ प्लांट लॉन्गिट्यूडनली, जैसा कि अभी आपको हमने डायग्राम में दिखाया। और फंक्शन क्या है? इट इंक्रीजेज द गिर्थ ऑफ द प्लांट। गिर्थ मीन्स होता है डायामीटर। डायामीटर मीन्स अगर आप किसी ट्रंक को देखा है अपने प्लांट के, तो उसके डायामीटर को, उसकी मोटाई को, तने की मोटाई को या स्टेम की मोटाई को जो बढ़ाता है वो बढ़ाता है लेटरल मेरिस्टम। यानी कि पेड़ कितना मोटा हो जाएगा, उसके स्टेम्स कितने मोटे हो जाएंगे, दैट इज डिसाइडेड बाई लेटरल मेरिस्टम्स। द थर्ड इज इंटरकैलरी मेरिस्टम। लोकेशन क्या है? प्रेजेंट नियर लीफ बेस और एट द नोड्स। एंड नोड्स क्या होते हैं? द प्लेस वेयर द लीव्स आर अटैच ऑन द स्टेम्स। वो प्लेस जहाँ पर लीव्स अटैच रहते हैं स्टेम्स में, उस प्लेस को बोलते हैं नोड्स, और दो नोड्स के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं इंटर नोड्स। तो इंटरकैलरी मेरिस्टम्स प्रेजेंट कहाँ हैं? नियर लीफ बेस एंड द नोड्स। जस्ट गो टू द डायग्राम, यहाँ देखिए इंटरकैलरी कहाँ प्रेजेंट है, एट द लीफ बेस और एट द नोड, आप देख सकते हैं। और फिर उसका फंक्शन क्या है?
हेल्प्स इन ग्रोथ एंड इलोंगेशन ऑफ इंटर नोड्स। तो जो इंटर नोड्स होते हैं वो इलोंगेट होते हैं, और फाइनली इंटर नोड इलोंगेट होंगे इसका मतलब क्या है कि लेंथ ऑफ द प्लांट विल इंक्रीज। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर वेरी एक्टिव एंड हैव डेंस साइटोप्लाज्म, शोज प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, हैव थिन सेलुलोज वॉल एंड दे ऑल्सो लैक वैक्यूल्स। इतने सारे रीजन्स क्यों हैं, बिकॉज दे द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैव टू डिवाइड फास्टली फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ट्री और प्लांट। क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है बहुत फास्टली डिवाइड करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, किसी भी प्लांट या ट्री के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बहुत ही फास्ट डिवाइड करता है। इसलिए उसके अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स हैं। वो स्पेशल फीचर्स क्या हैं कि दे आर हैविंग डेंस साइटोप्लाज्म, सो प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, थिन सेलुलोज वॉल एंड ऑल्सो लैक्स वैक्यूल्स। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। परमानेंट टिश्यू, तो इस वीडियो में परमानेंट टिश्यू का केवल इंट्रोडक्शन है। अब देखते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट कैसे होता है। तो वेन एवर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज लूजेज द एबिलिटी टू डिवाइड देन इट बिकम्स परमानेंट टिश्यू। जैसे जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपने सेल्स को डिवाइड करने की एबिलिटी को खोता जाता है, वैसे वैसे वो परमानेंट की तरफ बढ़ता जाता है। एट दिस टाइम दे टेक अप स्पेसिफिक रोल एंड स्पेसिफिक प्लेस इन द प्लांट बॉडी। तो जब मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट में कन्वर्ट होते हैं तो ये टिश्यूज क्या करते हैं, स्पेसिफिक रोल और स्पेसिफिक प्लेस प्लांट बॉडी में ले लेते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ टेकिंग परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफ्रेंशिएशन। तो ये जो कन्वर्जन हो रहा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से परमानेंट टिश्यू में, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। इसको भी आप लोग याद रखेंगे, दिस इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। व्हाट इज डिफरेंशिएशन, व्हेन डज इट टेक्स प्लेस, लाइक वाइज। टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू, हमको दो टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू पढ़ना है, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो व्हाट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू, द टिश्यू विच इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल और ओनली वन टाइप ऑफ सेल। ऐसे टिश्यूज जिनके सेल का टाइप बिल्कुल एक हो, सेम हो, या सिंगल टाइप्स ऑफ सेल से बने हों, तो ऐसे परमानेंट टिश्यूज को हम लोग बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। और दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, द टिश्यू विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। मीन्स ऐसे टिश्यूज जिनके अंदर एक से अधिक टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट हों, तो दैट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। नाउ सिंपल परमानेंट टिश्यूज में हमको पढ़ना है तीन तरह के टिश्यूज, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में पढ़ना है जाइलम एंड फिलोएम, ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स अ लॉट।